पहुंची हो। पानी के पास आ गए, पानी के पास आ गए। Hey friends, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and I am back with another part of Baleshwar vlog. और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चांदीपुर सी बीच, जो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है हमारे लोकेशन से, मतलब पंचलिंगेश्वर से। तो चलो हमारे साथ इस ट्रिप में इस अमेजिंगली ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते हुए। चांदीपुर सी बीच फोटो आदि, हाय कर दे, हाय। खुशी देखो कि खुशी दे आदि, रो मुझे आमे चले जाड़ू नहीं चले ऐसे आ तले आगे बस साइड एज बस दे साइड एज साइड एज बस जा पड़ी जीवो ने ना अरे से धीरे धीरे नेके जीवो पछे बस ना करसी पछे पछे चली बस आगर बस साइड पछे पछे साइड एज बस चलो ये ड्राइवर
ସେମାନେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇବ ଠିକ ଅଛି और ये थी हमारी फर्स्ट एवर एटीपी राइड एंड इट वाज अमेजिंग। फ्रेंड्स, यहाँ चांदीपुर में एटीपी राइड की कुछ टाइमिंग होती है। यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के 7:30 सी का पानी पूरा साइड को आ जाता है, मतलब जहाँ पे हम लोग एटीपी राइड ले रहे हैं ना, वहाँ पे पूरा सी का पानी होता है। और दिन में ये पानी पूरा 5 to 6 किलोमीटर सी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हो पाती है। सो अगर आपको सी इंजॉय करना है पूरा पास से, तो आपको मॉर्निंग या फिर 7:30 के टाइम में आना है। और अगर इस तरह के आपको एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको सेकेंड हाफ में आना है। आई एम श्योर आप उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे, साथ में आप सनसेट भी अगर चाहो तो सनसेट देख के आप जा सकते हो। फ्रेंड्स, इस एटीपी राइड की टोटल कॉस्ट हमें 600 पड़ी, क्योंकि हमने दो राइड लिया। एक राइड में मैं और मेरी सिस्टर थे और दूसरी राइड में मेरे भैया और आदि, तो इसके लिए हमें टोटल 600 पड़ा। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट प्राइसिंग कितनी होती है, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट राइड थी। उन्होंने जो कहा हमने दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड है ऑलरेडी। तो आप कमेंट करके बताना कि ये प्राइस ठीक है या फिर कम है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हमने चांदीपुर सी बीच इंजॉय करा। फ्रेंड्स, एटीपी राइड के बाद मैंने एक नारियल पानी ली, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद हम थोड़ा सा चिल किए और वहाँ से निकल आए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और आदि भी बहुत टायर्ड हो रहा था। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहीं हमें शाम हो गई थी। फ्रेंड्स, और मम्मी भी थोड़ा डर रही थी कहीं खीरोचरा गोपीनाथ जो टेम्पल है वहाँ, उसका गेट बंद ना हो जाए, क्योंकि पंचलिंगेश्वर घूमने के बाद हमारा प्लान था कि हम नेक्स्ट जाएंगे खीरोचरा गोपीनाथ। बट वहाँ से आते आते हम इतना लेट हो गए कि वहाँ का टेम्पल का गेट बंद हो गया। तभी हमने डिसाइड किया कि अभी हम चले जाएंगे सी बीच, और वहाँ से आते आते यहाँ गेट खुल गई होगी, मंदिर का गेट खुल गया होगा, और हम दर्शन करके घर चले जाएंगे। ये वाली मंदिर रास्ते में ही दिख गई हमें, एक्चुअली हम नहीं देखे, हमारे जो ड्राइवर थे उनको पता था यहाँ पे एक मंदिर है, तो वो यहाँ हमें ले आए और बोले कि आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये एक राधा कृष्ण के मंदिर है। और सीरियसली हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ। कितने बड़े बड़े मुंह हैं इनके।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो बाय, टेक केयर और हमेशा खुश रहिएगा।